दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ केमिकल के नाम बता रहा हूँ आपको, और वो नाम जो केमिकल के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। केमिकल के नाम में नंबर वन आपका है इथाइलिन, जी हाँ इथाइलिन। इसके बाद आपका एरिथ्रोसिन बी, ऑक्सीटोसिन, सैक्रिन, इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड, इसके अलावा कार के ऊपर लगाने वाला स्प्रे, शैम्पू, एंडोसल्फान, जी हाँ एंडोसल्फान, इजोफोन वगैरह वगैरह। ये कुछ खास बारे केमिकल के मैंने आपसे नाम लिए हैं, और अब माने या ना माने ये सारे केमिकल आपके अंदर पाए जाते हैं, बड़ी अच्छे से पाए जाते हैं, और आपका बड़ा अटूट गहरा रिश्ता है इन सारे केमिकल के साथ में। तो थोड़ी देर के लिए इन केमिकल की लिस्ट को याद रखिएगा। अभी एक दो दिन पहले ही, जी हाँ एक दो दिन पहले की न्यूज़ है, एक कंपनी है ग्लोबली काम करती है जिसका नाम है वाटर्स। इस कंपनी ने खास पर इंस्ट्रूमेंट को बनाया। इंस्ट्रूमेंट का नाम है डार्ट क्यूडीए सिस्टम, जी हाँ DART डार्ट क्यूडीए सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंट का जो इनॉग्रेशन था, पूरा एक सेमिनार हुआ था क्वींस यूनिवर्सिटी, जी हाँ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड में पड़ती है, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर कुछ खास मुद्दों को लेकर बात हुई। इन सारी बातों में खास मुद्दा ये भी था कि आज के बढ़ते हुए टाइम में जितना अहम मुद्दा पानी को लेके है, पॉल्यूशन को लेके है, एजुकेशन को लेके है, बीमारियों को लेके, उससे कहीं ज़्यादा मुद्दा बढ़ रहा है जिसका नाम है फूड की ऑथेंटिसिटी, जी हाँ खाने की ऑथेंटिसिटी, मतलब जो आप खाना खाते हैं वो कितना सही है कितना गलत है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है। क्योंकि ना जानते हुए और बिना चीज़ों की जानकारी के हम कई सारी चीज़ें खा लेते हैं केमिकल्स की। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर्स ने बनाया है जिसका नाम है डार्ट क्यूडीए सिस्टम, ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली खाने की ऑथेंटिसिटी को ही चेक करता है, खाना कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, कितना उसमें केमिकल है कितना नहीं है, सारी चीजें वो चेक करता है। खाना आपके लिए सेफ है अनसेफ है, काफी सारी बातें हुई यहाँ पे क्वींस यूनिवर्सिटी में। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा और न्यूज काफी सारी है इसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे इन सबका हमसे क्या लेना देना, जी हाँ हमसे बहुत गहरा रिश्ता है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे ग्लोबली, जी हाँ पूरे ग्लोबली में, दुनिया में इंडिया की जो फूड सेफ्टी को लेके रैंक है, फूड सेफ्टी को लेके जो रैंक है, फूड की सिक्योरिटी को लेके जो रैंक है, वो है 113 कंट्रीज में से, जी हाँ 113 कंट्रीज में से है 74th रैंक। हम 74वें नंबर पर 74th नंबर पर है। हमारा खाना इतना गंदा होता है, और ये वही खाना है जो हम खाते हैं, कभी कैंटीन में, कभी मॉल्स में, कभी स्टॉल पे, कहीं कहीं हम खाते रहते हैं, ये वही खाना है। इंडिया की रैंक फिर से बोल रहा हूँ, 113 कंट्रीज में से है 74th। श्रीलंका, चाइना सब हमसे ऊपर है, हाँ पाकिस्तान एक दो नंबर नीचे है, बाकी ये हमारी हालत है इस टाइम पे फूड की सिक्योरिटी को लेके, 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से। 18 की भी आने वाली है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये रैंक नीचे आ जाएगी। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपने टीवी देखी होगी, कितने सारे मंत्री, कितने सारे पॉलिटिशियन बात करते हैं खाने की ऑथेंटिसिटी को लेके, फूड की प्योरिटी को लेके, कभी कोई बात नहीं करता। और एक सीरियस कंसर्न है अकॉर्डिंग टू USFDA, जो कि टाइम टू टाइम स्टडी होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। दोस्तों फूड की ऑथेंटिसिटी को लेके हमारी कंट्री की हालत रियली में बहुत पुअर है। 2016 में एक स्टडी हुई थी हैदराबाद में, जी हाँ हैदराबाद में, एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया गया और देखा गया कि 20-30 हजार दुकानों के ऊपर, जी हाँ 20-30 हजार दुकानों के ऊपर जहां पर खाने की सप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर 4 फूड इंस्पेक्टर एप्लीकेबल हैं, बस सिर्फ वहीं अवेलेबल है सिर्फ 4 फूड इंस्पेक्टर, जो कि USFDA के नॉर्म्स के हिसाब से काफी कम है, बहुत ही कम है ये नंबर। और वहां पर बोला गया था कि उस एरिया में कम से कम 18, जी हाँ 18 से 20 सर्कल वाइज ऑफिसर भी होने चाहिए फूड की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए। ये इंडिया की हालत है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से, कुछ न्यूज़ के हिसाब से, कुछ समय पहले अभी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स को भी इंडिया में बैन किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो केमिकल भी आज भी आप बैन होने के बावजूद भी आज भी आपके खाने में, आपके फ्रूट्स में, आपके वेजिटेबल में रेगुलरली यूज हो रहे हैं। ये इंडिया की हालत है रिगार्डिंग फूड सेफ्टी को लेकर, और इसलिए हमारी रैंक डे बाई डे कम होती जा रही है। अभी 74 2016-17 में थी, अभी और कम हो गई आराम से। तो इंडिया में जो फूड ऑथेंटिसिटी की हालत है वो रियली में काफ़ी पुअर है, और इसको लेके ना तो हमारे पॉलिटिशियन कोई बात करते हैं। हाँ स्कीम बहुत सारी बनती हैं, पर वो स्कीम कितनी इफेक्टिव हैं ये हमारी रैंक इंडिकेट कर रही है, कितनी इफेक्टिव है वो पॉलिसीज, ना तो कोई मीडिया हाउस बात करता है, कोई बात नहीं करते इसको। हमारी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है रिगार्डिंग फूड और फूड की खाने की इंटीग्रिटी को लेकर, ऑथेंटिसिटी को लेकर, और ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है आने वाले टाइम।
दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर केमिकल्स की, तो सबसे बड़ा केमिकल जो कॉमन यूज होता है फूड इंडस्ट्रीज में, खाने में, जी हाँ, उसका नाम है एरिथ्रोसिन बी। जी हाँ, एरिथ्रोसिन बी, ये बेसिकली डाई होती है, इसको रेड बी भी बोला जाता है, रेड बी करके। ये डाई हर जगह यूज होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, हर जगह, कैंडीज में, केक में, चॉकलेट में, कॉकटेल में, मॉकटेल्स में, इवन आप यकीन नहीं करेंगे तरबूज के अंदर भी, जी हाँ, वाटरमेलन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ये एक डाई होती है और इसको टेक्सटाइल मतलब कपड़े की इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, और ये केमिकल आज के डेट में काफी हाई अमाउंट में खाने में भी यूज किया जा रहा है। USFDA के हिसाब से अगर इस केमिकल का यूज 4%, जी हाँ, 4% से ऊपर किया गया डाइट में, तो इट कैन कॉज, ये आपको कैंसर कॉज कर सकता है। कैंसर ही नहीं, ये पूरी तरह से आपको थायराइड ग्लैंड का भी कैंसर कॉज कर सकता है। 2008 में, जी हाँ, 2008 में इस केमिकल को पूरी तरह से USFDA ने ग्लोबली बैन कर दिया था, पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि इसके चलते आपको कैंसर डेवलप हो सकता है। लेकिन ये केमिकल हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में रेगुलरली यूज हो रहा है, कभी तरबूज में, कभी केक में, कभी कैंडीज में, कभी कुकीज में, कभी कॉकटेल में, मॉकटेल्स में, हर जगह पे इसको बिंदास यूज किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। लेकिन चीजों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस लिस्ट में अगला जो केमिकल है उसका नाम है सैक्रीन। जी हाँ, सैक्रीन। सैक्रीन एक स्वीटनिंग एजेंट होता है, ये मिठास देता है, और इसकी जो मिठास होती है वो नेचुरल शुगर से, जी हाँ, नेचुरल शुगर से 300 से 500 गुना ज्यादा होती है इसकी मिठास। ये केमिकल भी रेगुलरली यूज हो रहा है कैंडीज में, कुकीज में, डायबिटीज पेशेंट की डाइट में, आइसक्रीम्स में, कॉकटेल्स और मॉकटेल्स, इसको भी रेगुलरली यूज किया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इसको 2000 में कार्सिनोजेनिक एजेंट घोषित कर दिया है, मतलब 2000 में ये कैंसर कॉज कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट है। लेकिन इंडिया में इसको आज भी यूज किया जा रहा है USFDA के द्वारा। जी हाँ, USFDA के द्वारा इसका जो मैक्सिमम यूज होना चाहिए वो 12 mg, जी हाँ, 12 mg पर kg के हिसाब से यूज होना चाहिए। लेकिन इसका यूज कोई लिमिट में नहीं होता है, जितना चाहे उतना डालते हैं, उसको लेके भी कोई कंट्रोलिंग नहीं है। इस केमिकल के चलते आपके गॉल ब्लैडर में कैंसर डेवलप हो सकता है, आपके लीवर डैमेज हो सकता है, इसके अलावा आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है, आपका वेट गेन भी हो सकता है इस केमिकल के चलते। ये केमिकल खतरनाक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको इंटरनेशनल एजेंसी ने 2000 में इसको कैंसर कॉजिंग एजेंट घोषित कर दिया है, उसके बावजूद भी आज भी ये रेगुलरली यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दोस्तों केमिकल की लिस्ट में जो अगला केमिकल है, ये हमारे खाने में रेगुलरली आ रहा है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन, ये बेसिकली एक हार्मोन होता है और ये हम सबके अंदर पाया जाता है। इस हार्मोन के बहुत सारे काम होते हैं, पर मेनली मैं आपको बताऊं तो ये जो हार्मोन होता है, ये फीमेल्स के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उनके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये इसका हो गया नॉर्मल फंक्शन। USFDA ने इसका एक डोज भी फिक्स किया है कि इंसान की बॉडी में एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में इसका डोज 24 to 48 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। ये तो कुछ खास बातें हो गई। अब आप यकीन नहीं करेंगे, इस हार्मोन का रेगुलरली यूज हो रहा है डेयरी फार्म्स के द्वारा और सब्जियों के साइज को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग इसको सब्जी के साइज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, सब्जी में इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं और 24 आवर्स के अंदर अंदर सब्जी का साइज काफी बड़ा हो जाता है इसके इंजेक्शन के बाद में। इसके अलावा डेयरी फार्म्स के जो लोग होते हैं वो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी इस इंजेक्शन का, इस केमिकल का रेगुलरली यूज कर रहे हैं। तो सब्जियों को बढ़ाकर साइज करने के लिए, सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए, उनको रैपिडली ग्रो करने के लिए, जल्दी से बड़ा करने के लिए, ज्यादा दूध के फॉर्मेशन के लिए इस केमिकल का रेगुलरली यूज किया जा रहा है। कितने अमाउंट में कोई फिक्स नहीं है, होना चाहिए 24 to 48 एक दिन के इंटरनेशनल यूनिट इन अ वन डे। लेकिन इसका यूज कितना होता है कोई फिक्स नहीं है, बस इंजेक्शन लगाया, सब्जी को बड़ा किया और मंडी में भेज दिया और हमने उसको पका के खा लिया। इस केमिकल के हाई डोज होने से इंसान की बॉडी में कई सारी दिक्कतें बढ़ सकती है, जैसे उसकी भूख कम हो सकती है, उसे स्टोमक में पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इसके अलावा उसका हार्ट, जी हाँ, उसका हार्ट भी इम्प्रॉपर वर्क कर सकता है, उसकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन वही है, इस केमिकल को धड़ल्ले से बिंदास तरीके से आजकल यूज किया जा रहा है कई जगह पे। फिर बता रहा हूं मैं, सब्जी का साइज बढ़ाने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। 24 घंटे पहले इसको लगा दो, लौकी अपने आप इतने से इतनी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस केमिकल का रेगुलरली यूज हो रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। दोस्तों इस लिस्ट में अगला जो केमिकल है वो सबका बॉस है, मतलब सबसे खतरनाक केमिकल है, और केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। जी हाँ, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 करके इसका फॉर्मूला होता है, ये केमिकल है।
आप यकीन नहीं करेंगे, इस केमिकल का जो यूज होता है, आज भी हो रहा है इस केमिकल का यूज, ये होता है फलों को पकाने के लिए। आम के बीच में, केले के बीच में इसकी पुड़िया को डाल दिया जाता है और काफी जल्दी फल पक जाते हैं। ये तो यहां तक की न्यूज थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने, जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केमिकल को पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया है। आज नहीं, 2016-17 में बैन कर दिया था, लेकिन आज भी दिल्ली छोड़ के इंडिया के कई सारे इलाके में इस केमिकल को बिंदास यूज किया जा रहा है। इस केमिकल के द्वारा फलों के अंदर एक खास प्रकार की गैस का सिक्रेशन होता है, या उस टोकरी में एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है एसिटाइलिन गैस। जी हाँ, एसिटाइलिन गैस। और ये गैस इंसान को स्किन एलर्जी और स्किन में कैंसर कॉज करती है। इस केमिकल को, फिर से बोल रहा हूँ, इस केमिकल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इंडिया में इसको यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सिस्टम। फूड इंस्पेक्टर की कमी है, लोगों की कमी है, चेकिंग नहीं होती है और बस चल रहा है जो चल रहा है। इस केमिकल को बैन करने के बाद इंडिया में एक नया केमिकल को लाया गया जिसका नाम है इथाइलिन। जी हाँ, इथाइलिन। ये केमिकल इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से, बेसिकली चाइनीज, इसको चाइनीज पुड़िया भी बोला जाता है। और ये केमिकल भी बेसिकली फलों को पकाने के लिए ही यूज किया जाता है। इस केमिकल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी अलाउ किया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसके बाद लोगों ने इसको यूज करना चालू किया पूरी इंफॉर्मेशन लिए बिना। जी हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन लिए बिना। USFDA के हिसाब से इस केमिकल का जो यूज होना चाहिए मैक्सिमम, वो होना चाहिए 10 to 100 parts per million। जी हाँ, 10 to 100 ppm। इससे ज्यादा यूज का नहीं होना चाहिए इस केमिकल का। ये सिंपल भाषा बोलूं मैं तो 0.001 से लेकर 0.1%, इससे ज्यादा यूज इस केमिकल का नहीं होना चाहिए। इस केमिकल का जो यूज होता है वो फ्रूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमने कोई इन्फॉर्मेशन आगे नहीं पढ़ी, बस इंडिया में अलाउ कर दिया है, पुड़िया पकड़ी, फल में डाला और इसको भी यूज करना चालू कर दिया। इस केमिकल, ये जब केमिकल आपकी बॉडी के अंदर, बेसिकली तो इथाइलिन बॉडी में कोई दिक्कत कॉज नहीं करता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, इथाइलिन जब बॉडी में जाता है तो इसके मेटाबॉलिज्म के बाद एक खास प्रकार का केमिकल बनता है जिसका नाम होता है इथाइलिन ऑक्साइड, और ये केमिकल भी कैंसर कॉज करता है। तो वही बात है, यहां पे केमिकल यूज हो रहे हैं लेकिन इम्प्रॉपर नॉलेज के बिना, इम्प्रॉपर अमाउंट में, और कोई चेक करने वाला नहीं। दोस्तों, ये तो बहुत कम, ये कुछ ही लिस्ट है केमिकल की जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे कई सारे केमिकल हमारी सब्जियों में, हमारे फूड्स में, हमारे खाने में रेगुलरली आ रहे हैं, और उनको हम बड़ी आसानी से अपने अंदर ले लेते हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइजर, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ, बहुत सारी डाई, कलरिंग एजेंट, जिनका यूज़ कम्प्लीटली बैन है इंडिया में, उसको भी बड़े धड़ल्ले से, आसानी से इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। डाई को पानी में घोला जाता है, सब्जी को उसमें डाला जाता है, वही सब्जी मंडियों में रख दी जाती है नेक्स्ट डे, और हम बड़ी आसानी से उसको खाते हैं। मैं अगर पूरी लिस्ट बताने बैठ गया यहाँ पे सब केमिकल के बारे में, तो बिलीव कीजिए ये वीडियो 1.5 से 2 घंटे का बन जाएगा। बहुत सारे केमिकल्स हैं। अल्टीमेटली यही है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, और इसके लिए जितने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, थोड़ा बहुत हम भी हैं। हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट पे भी नहीं डालना चाहिए, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है नॉलेज की, जो कि हमें कमी है, जो कि हमें पता नहीं होता है। ये केमिकल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। इनके चलते मैंने आपसे पहले बोल दिया, कैंसर, स्किन की एलर्जी, लीवर का डैमेज, थायराइड का डैमेज, और पता नहीं क्या क्या डेवलप हो सकता है। और जिन केमिकल को अलाउ किया गया है इंडिया में, वो केमिकल इम्प्रॉपर अमाउंट में यूज हो रहे हैं, जो कि भी बिल्कुल गलत है। और चेक करने वालों के नंबर कितने हैं वो तो आपको मालूम ही है। फूड इंस्पेक्टर प्रॉपर नहीं है, नंबर बहुत कम है, और जितने हैं वो भी ढंग से काम नहीं करते। आधे बिके हुए हैं, आधे पैसे लेके सब्जियों को पास कर देते हैं और केमिकल को पास कर देते हैं। आप खुद अपने सराउंडिंग में देखिए, आपने कितने फूड इंस्पेक्टर को खाने को चेक करते हुए देखा आज तक, या किस मंत्री के, किस पॉलिटिशियन के द्वारा खाने की क्वालिटी को लेके आपने कभी बात करते देखा, या किस मीडिया हाउस को आपने बात कर देखा खाने की क्वालिटी को लेके। एक आध दिन का वीडियो बना देते हैं, काम खत्म। तो अब अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है, कोई नहीं तो फिर हमें ही काम करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो यही सारी बातें हैं इन केमिकल्स को लेके। अब वीडियो के अंत में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के बाहर आता है, वो आता है कि सर हम इन चीज़ों से कैसे बचें, क्या सब्जियां खाना बंद कर दें, फ्रूट्स खाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा नॉलेज आपको दिक्कतों से बचा सकता है। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि केमिकल आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन जहां वो 100% जा रहे थे, अब वो 30% 20% जाएंगे, तो आपकी हेल्थ थोड़ी सी तो अच्छी हो सकती है।
आपका नॉलेज आपके परिवार के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये बात तो आप सोच लीजिए कि आप 100% इन केमिकल से बच जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। जो आपकी बॉडी में गए हैं वो तो है ही है, और धीरे धीरे उनका भी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन हम जितना सावधानी बरतेंगे तो उतनी ही हमारी चीज़ें सेफ हो सकती हैं। सबसे पहला काम, अगर कभी भी आप कोई गलती देखें या अपने सराउंडिंग में कोई भी ऐसी कोई दिक्कत देखें जिसमें इन केमिकल को यूज़ किया जा रहा है, या किसी प्रोडक्ट पे उन केमिकल का यूज़ है एक लिमिट से ज़्यादा, तो बिल्कुल बिना डरे बिना रुके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके उसको कंप्लेन कीजिए, या उपभोक्ता फोरम पे जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं बिना रुके। आपकी ये सावधानी कई लोगों की जान को बचा सकती है। इसके अलावा आप जो सब्जियां लेके आते हैं, जो फूड्स आप लेके आते हैं, उनको यूज़ करने से पहले प्रॉपरली वॉश कर लें, धो लें। इन केमिकल को शैम्पू वगैरह में भिगो के आपके सामने पेश किया जाता है, तो पहले उनको धो लें, और हो सके तो उनकी जो आउटर सरफेस है, जो ऊपर की लेयर, उसको तो पूरी तरह से हटाते हैं। सब्जी है तो गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के उसको बॉईल कर लें। फल है तो ऊपर की पिल को तो पूरा यूज हटा ही दें, उसको यूज ना ही करें। तो बिना धोए तो सब्जी फल फ्रूट कुछ भी खाने का नहीं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो कि सब्जी को फ्रूट को प्यूरीफाई कर सकते हैं, जो ओजोन गैस के ऊपर काम करते हैं। अभी मैंने खुद ही एक दो दिन पहले देखा था वीडियो में, एक कंपनी है, कंपनी का नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, पर उस कंपनी का एक प्यूरीफायर आता है जो ओजोन गैस के द्वारा इन सब्जियों को फ्रूट्स को एकदम प्योर कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट 3,000, 5,000, 7,000 उसके बेसिस पे आते हैं रेंज पे, तो आप जो चाहें उसको आप एक बार परचेस करके भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारी बातें यहाँ पर हैं, और वही बातें हैं आपकी सेफ्टी, आपका नॉलेज, आपकी जानकारी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी फैमिली के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अंत में जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये उस इंसान का खाना है जो हम और आप खाते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक आम आदमी का खाना है। ये ना तो कोई पॉलिटिशियन खाता है, ना तो कोई फिल्म स्टार खाता है, ना तो कोई क्रिकेटर खाते हैं, ना तो कोई इंडस्ट्रियल वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन खाते हैं। ये खाना वो लोग नहीं खाते हैं, ये खाना हमारा आपका है, आम आदमी का खाना है। और हर चीज का ब्लेम फिर से बोल रहा हूं गवर्नमेंट पर डालना भी गलत है, कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी उठानी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ में, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि कौन कौन से केमिकल हमारे खाने में आ रहे हैं और उन केमिकल से हम किस तरह से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे तरह से करके। जो गवर्नमेंट को आपकी चिंता नहीं है, आप बिलीव कीजिए, पॉलिसीज बनती हैं, पर पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होती हैं, ग्राउंड लेवल पर उनका लेवल कितना है, ये कोई चेक करने नहीं आता। तो ना तो मीडिया हाउसेस को इसकी चिंता है, ना तो किसी फिल्म स्टार को इसकी चिंता है, ना तो किसी नेता को, किसी को चिंता नहीं है। आम आदमी की चिंता आम आदमी करे तो ही बेहतर है बॉस। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके बारे में कभी कोई बात करता ही नहीं है। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हमारे बड़े बड़े नेता, हमारी मीडिया हाउस बात करते हैं पेट्रोल की, डीजल की, हिंदू की, मुसलमान की, दंगों की, राम मंदिर की, मस्जिद की, अल्लाह की, इन सब चीज़ों की, लव जिहाद की, ये सब बातें करते हैं। धर्म की बात करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो रियलिटी है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जिस पे इंसान का हक है, हवा पानी खाना, इसकी बात कभी नहीं होती है, क्योंकि किसी को इस चीज़ से नहीं फर्क पड़ता। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, भूलने का नहीं।